पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत हैदराबाद में दौरे पर हैं, लेकिन उनके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजाब के इन्वेस्टर और उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम मजीठिया ने अपने ट्विटर पर तंज कसा है। वहीं सीएम मान को पंजाब की तरफ ध्यान देने की बात कही है। मजीठिया ने इन्वेस्टर्स की मुख्यमंत्री योगी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान यह पंजाब में मामलों की स्थिति का सही वसीयतनामा है। जब आप निवेश के लिए इधर उधर घूमते हैं तो आपके ही घर के उद्योगपति पंजाब से भाग रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें दिए वादे पूरे नहीं किए। पंजाब के उद्योगपति अपहरण और जबरन वसूली से तंग आ चुके हैं और आपकी सरकार से उनका विश्वास उठ गया है। व्यापार के अनुकूल माहौल यूपी में हो रहा तैयार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जैसे नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भी लखनऊ में होने जा रही है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लक्ष्य के साथ यूपी सरकार का प्रयास है कि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया फायदा मिल सके। 25 नीतियां हो चुकी तैयार, यूपी में आईटी, आईटीएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियां तैयार हैं। नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के अनुकूल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उद्योगपतियों तक यही संदेश देने के लिए यूपी सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2,300 करोड़ के इकरार मिली जानकारी के अनुसार यूपी की पॉलिसी से प्रभावित होकर पंजाब के उद्योगपतियों ने यूपी सीएम योगी के साथ गुप्त बैठक करके 2,300 करोड़ रुपए के इकरार किए हैं। पंजाब बायलर एसोसिएशन के प्रधान टीआर मिश्रा ने इसमें भूमिका निभाए और राज्य की जानी मानी इंडस्ट्री जब यूपी में निवेश की तैयारी में है।